रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। हरियाणा चयनित जेबीटी अभ्यर्थी करेंगे शिक्षा सदन का घेराव। बता दें आपको, कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। बता दें आपको, नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो पिछले 3 सालों से वेटिंग कैंडिडेट्स की अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। हरियाणा चयनित जेबीटी अभ्यर्थी करेंगे शिक्षा सदन का घेराव। अपनी मांगों को लेकर कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। तो नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन करेंगे। बता दें आपको, पिछले 3 सालों से वेटिंग कैंडिडेट्स की अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और जिसके विरोध में आपको बता दें हरियाणा चयन जेबीटी अभ्यर्थी शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। तो कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। बता दें आपको, ये इस वक्त की आ रही है बड़ी खबर। नियुक्ति पत्रों की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जो है वो होना है। तो पिछले 3 सालों से वेटिंग कैंडिडेट्स की नहीं हुई नियुक्ति, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा चयनित जेबीटी अभ्यर्थी करेंगे शिक्षा सदन का घेराव। कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पिछले 3 सालों से वेटिंग कैंडिडेट्स की नियुक्ति जो है वो नहीं हुई है, और अपनी नियुक्ति ना होने के चलते आज हरियाणा चयनित जेबीटी अभ्यर्थी शिक्षा सदन का घेराव करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। तो पिछले 3 सालों से वेटिंग कैंडिडेट्स की नियुक्तियां जो हैं वो नहीं हुई हैं, और आज शिक्षा सदन का जो घेराव है वो होना है। कई छात्र इकट्ठा होकर शिक्षा सदन का घेराव करेंगे।